जिला के चिनारी विधानसभा से प्रत्याशियों ने भरा पर्चा। चिनारी विधानसभा से भीम आर्मी के मुंगेरी पासवान, एलजेपी से शेखर पासवान, आरएलएसपी से श्याम बिहारी, राम रूलर पार्टी से जीतन राम ने अपना अपना पार्टी से सभी लोगों ने पर्चा दाखिल किया। आप देख रहे होंगे युवाओं में क्या लग रहा है, चिनारी विधानसभा विकास हुआ है क्या? ये तो जनता ने जिस प्रतिनिधि को चुना था यह सवाल उनसे पूछते तो बेहतर होता। मैं तो आशीर्वाद लेने के लिए और जनता की सेवा करने के लिए चिनारी विधानसभा से प्रत्याशी बना हूँ और यह प्रश्न बनने के बाद मुझसे तो मुझे बेहतर होता है। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि चिनारी की जनता अगर मुझे आशीर्वाद स्नेह देकर अगर चिनारी का प्रतिनिधित्व तो करने का मौका देती है तो मैं यह दावा करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि बिहार में एक नंबर चिनारी को मैं जिस प्रकार हमारे आदरणीय नेता चिराग पासवान बोलते हैं बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, उसी प्रकार मैं चिनारी को फर्स्ट करके दिखाऊंगा। जब तक बाबा उर्स करते थे और सब मिलकर भाई बाबा मालिक है तब मालिक ही करेंगे और सब हम लोग लगे हुए थे। अब बाबा के पर्दा के बाद यानी 21वां साल हो रहा है बाबा 99 में पर्दा फरमाए तो पर्दा के बाद एक तरफ ऐसे लोग ऐसी की यानी पर्दा के बाद भी ऐसे सब किए थे कि तुम अब यहाँ से निकल जाओ भाग जाओ हम लोग करेंगे। फिर ये लोग ऐसे किए तो फिर सब समझौता हुआ अस्थिर हो गया। फिर देखिए अभी 13 तारीख को हमारा बेटा का तबीयत खराब था 10 तारीख को तुरंत उसको लेके हम पारस हॉस्पिटल भाग गए कि मेरा बच्चा दो कुआँ में दो बार गिर गया मतलब 18 साल का बच्चा मेरा तबीयत उसका खराब हुआ कुआँ में गिर गया तो गाँव का बड़ी जो थे बेचारा वो निकाल दिए निकाल के पानी उन्हें कुछ पी लिया था उसको निकाल के बाहर किया तुरंत हम फिर डॉक्टर के यहाँ 10 तारीख को हम लोग चले गए 11 तारीख को पारस में हॉस्पिटल में बाबू को हम दिखाए फिर उसने बोले दवाई उवाई दिए नींद का मतलब सुई दिया तो सोया। फिर 13 तारीख को हमारा यहाँ से कोलकाता जाने का था बोला हुआ जाके तुम उसका खून जाँच उच करवा लीजिए। फिर हम कोलकाता में टिकट जल्दी से मेरा भाई हुआ से कर दिए हम पटना से गाड़ी धरे फ्लाइट धरे फिर हम लोग दोनों माई बेटा चले गए। आज 16 ही मिस्त्री 8 तारीख से काम कर रहा था मजार शरीफ में काम लगा हुआ था सेंटरी अंदर का खुल रहा था और एक बैग ना हम लोग को कोई बात है न चीत है हम वहाँ से गए 16 तारीख को मिस्त्री को भगा के लोग कब्जा कर लिए बोले ताला इनको नकनी ऊँचा थे भी मतलब 40 साल से खाना दाना ही हम लोग का बाबरची थे उनका भी बोले फेंक देंगे कपड़ा लत्ता फेंक देंगे हाथ पकड़ तो उसको भी बाहर कर दिया। वो बेचारा बूढ़े हो गए डर से वो भाग गए। अब इतना फोन कर रहे हैं कि कहाँ चले गए उनका कोई था ही पता नहीं। नमस्कार आप देख रहे हैं श्याम बिहारी राम जी को जो कि चिनारी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के टिकट से अभी अपना नॉमिनेशन करके बाहर आए हुए। आइए हम सर से बात करेंगे। नमस्कार सर, यदि चिनारी विधानसभा की जनता एक बार आपको मनोनीत करके फिर से जिताती है सर तो क्या आप अपनी जनता के लिए किस प्रकार का विकास करेंगे? मैं 2010 से लेकर 15 में विधायक था और मैंने चिनारी की जनता के लिए क्योंकि चिनारी की जनता पहाड़ और जंगलों से घिरा हुआ जनता है और वहाँ उसकी जो है माली हालत खराब है और पत्थर तोड़ते हैं तो खाते हैं पत्ती तोड़ते हैं तो खाते हैं उनकी विकास के लिए मैंने जो है वहाँ जो है विकास की धारा को तेज किया और उन्हें जो है आगे बढ़ाने का काम किया। यहाँ तक कि चिनारी की जनता में रोहतास 79% ऐसा प्रखंड है जहाँ पढ़ने के लिए बच्चों का स्कूल नहीं था कॉलेज नहीं था तो मैंने वहाँ कॉलेज बनवाया और रोहतास में मैंने डिग्री मैंने ITI कॉलेज बनवाया। उसके बाद इसके विकास करने के लिए मैं अपने समय में 2010 से 15 तक में दुर्गावती डैम का भी मैंने उद्घाटन कराया जो बाबू जगजीवन राम का सपना था उसे चालू कराना वह नहीं करा सके मैं अपने पीरियड में 10 से। तो सर इस बार आप जो चिनारी विधानसभा से उतर रहे हैं चिनारी विधानसभा में विकास काफी अभी पीछे है वो देख वहाँ अरे